देखी, हमने परचेज़ किया है मिस चीफ का माय फर्स्ट लाइब्रेरी यानी बच्चे के लिए। तो इसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए देना चाहूँगा ताकि आप ख़रीदने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसी ब्रांड का बहुत सारा ऑप्शंस जो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के माध्यम से, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। इधर आपको इस सेट में क्या क्या अवेलेबल है वो आपको दिख रहा है। ए बी सी है नंबर्स, फॉलोड बाई शेप्स, कलर्स, वाइल्ड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ट्रांसपोर्ट। इधर देखिए, इसको माई फर्स्ट लाइब्रेरी बोला जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी वे ऑफ नेमिंग है, क्योंकि ख़ास तौर से आप देखिए इसका पैकेजिंग इस तरह से है जैसे आप लाइब्रेरी के शेल्व्स में बुक्स रखी रहती हैं उस तरह से। तो इसको थोड़ा सा निकालने, इस तरह से निकाल के देख सकते हैं। फिर से एक बार आपको बता दूं, देखिए इसमें ऑप्शंस है ए बी सी, कलर्स, वाइल्ड एनिमल, ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, फ्रूट्स, शेप्स, बर्ड्स, नंबर्स। वन बाय वन दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए, बुक्स कुछ इस तरह का है, यहाँ पे कर्व्ड एजेस हैं ताकि बच्चों को बाय चांस कोई इंजरी ना हो पाए, और इस तरह का कंटेंट्स अंदर में है, और पेपर का क्वालिटी अच्छा है, कार्डबोर्ड टाइप का है, थिकनेस भी अच्छी है। इसको प्लास्टिक से लेमिनेट किया गया है जैसे आप देख सकते हैं, जो साइन कर रहा है, ताकि इजीली डैमेज ना हो। सिमिलरली कलर्स, ये है वाइल्ड एनिमल्स, अब इन बुक्स में मैंने जो देखा हूँ उसमें ये है कि कुछ चीज़ें जैसे कि कलर्स वाला जो बुक है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कलर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, लेकिन जो ग्रे कलर है इसमें ग्रे का जो स्पेलिंग है ये GRAY, ये अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से स्पेलिंग दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल इनफॉर्मल चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में या जब आप सीख रहे हो कुछ चीज़ तो ब्रिटिश इंग्लिश को सीखना ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो कलर्स हैं, ये कलर शब्द भी अगर अमेरिकन इंग्लिश में ही होता तो COLORS होता, यू नहीं होता, लेकिन चूंकि बच्चों को सिखाया जा रहा है तो उनको ब्रिटिश इंग्लिश ही सिखानी चाहिए। यहाँ कलर्स सही लिखा है, लेकिन ग्रे का स्पेलिंग ये गलत नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में होना चाहिए था। सिमिलरली कुछ चीज़ और हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट का जो बुक है, यहाँ पे मुझे एक दिखा कि इसमें एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि है ब्लिम्प। ब्लिम्प मेरे ख्याल से ये जेपलिन टाइप का कुछ चीज़ दिखाने का कोशिश किया गया है, लेकिन ब्लिम्प ये थोड़ा सा अनकॉमन है, बच्चों को इससे रिलेट करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक और सजेशन मेरा वेजिटेबल्स को लेकर रहेगा कि इसमें एक वेजिटेबल जो है वो भिंडी, जिसे हम जानते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में लेडीज फिंगर कहना ज़्यादा रिलीवेंट होता है रादर देन कि ओकड़ा कहना। ये गलत नहीं है, है तो सही, लेकिन
कहा जाए तो एक तौर पे इंडिया में लेडी फिंगर वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है और बच्चे ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाएंगे उससे। सिमिलरली एक और है जो बैंगन को दिखाया गया है, ब्रिंजल ज़्यादा प्रचलित वर्ड है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बच्चों को रिलेट करवा पाना ईजी है रादर देन एग प्लांट। एक बार फिर से, ये गलत नहीं है लेकिन ये बच्चों को रिलेट करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। वैसे ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एक ये जो लाइब्रेरी की स्टाइल में जो बुक्स को अरेंज करने का मैटर, यहाँ पे ग्रूव्स दी गई हैं ताकि आप इजीली पुल करके निकाल सकें, बोथ साइड में ये अवेलेबल है और मेरे बच्चे को काफ़ी ये पसंद भी आ रहा है। ओवरऑल आई विल से दिस इज़ अ नाइस थिंग टू हैव फॉर योर बेबी और मेरे ख्याल से उसे पसंद भी आएगा। थैंक यू।